इस बोनस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, किस तरह से आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू ऑनलाइन ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद हम इस तरह की स्क्रीन देखेंगे। अब इस स्क्रीन का मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ये आपकी वॉच स्क्रीन है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, थर्ड प्रोफाइल, आप तीन वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब इसमें अगर आपको कोई स्टॉक रिमूव करना है, जैसे हम लेट से एफएफसी रिमूव करना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे और रिमूव स्क्रिप्ट कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम सारे रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव ऑल कर देंगे। अगर हमें कोई स्क्रिप्ट इसमें ऐड करना है तो हम स्क्रिप्ट ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका सिंबल एंटर कर देंगे। जैसे मैं OGDC का सिंबल डालता हूँ तो ये आपने देखा OGDC आ गई। अब इसी तरह अगर लेट से मुझे कंपनी का सिंबल नहीं पता तो मैं सिंपली कंपनी का यहाँ पे क्लिक करके कंपनी का नाम डाल सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑयल, आप देखेंगे कि यहाँ पे OGDC आ गई। इस तरह से आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। आप ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से आपने तीन प्रोफाइल्स देख ली। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं। लेट्स से हमें पता चला कि सीमेंट सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, तो सीमेंट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो हम यहाँ सेक्टर वॉच को क्लिक करेंगे और यहाँ से सीमेंट सेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास सीमेंट सेक्टर की सारी कंपनीज आ जाएंगी। इसी तरह इंडेक्स वॉच है, इसमें अगर हम देखना चाहते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में कौन सी कंपनीज हैं तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स कौन से हैं तो वो हम KMI ऑल शेयर में जाके देख सकते हैं, ये सारे शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हैं। अगर हम टॉप 30 शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो हम KMI 30 इंडेक्स से देख सकते हैं। इसी तरह से आप फिर जाएंगे पोर्टफोलियो वॉच में, आपने जो जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो जो आपके पोर्टफोलियो में हैं। कोलैटरल आपकी पुरानी पोजिशंस को बताता है और ओपन आपकी आज के दिन की पोजीशन को बताता है, यानी आज आपने जो ट्रेड किया है वो बताता है। इसी को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देखेंगे डिटेल का बटन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल में आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा, आपने कितने शेयर खरीदे, एवरेज प्राइस क्या थी, टोटल प्राइस क्या बनती है और उसकी करंट वर्थ क्या है। इसी तरह आपकी ओपन पोजिशन यहाँ पर शो हो जाएगी और आपके पोर्टफोलियो की टोटल वर्थ यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ है एक्सपोजर वॉच, जो बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आप अपनी डिटेल्स जो है वो बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपोजर वॉच पे, इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सपोजर वॉच पे जब आप क्लिक करेंगे, एक्सपोजर वॉच में आने के बाद आप देखेंगे आपका टोटल लेजर बैलेंस क्या है, आपके पास टोटल अब तक आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं और आपकी ओपन पोजीशन अगर कोई है तो वो यहाँ शो हो रही होगी, आपकी जो इन्फो है वो यहाँ पे आ रही होगी। इसी तरह से कोलैटरल आपको समझाया था अभी पोर्टफोलियो वॉच में क्या होता है, ओपन पोजीशन आपको समझाया था पोर्टफोलियो वॉच में क्या होता है, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ऑर्डर प्लेस करने के चार तरीके हैं और आप चारों तरीक़ों से बहुत आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप F4 का बटन दबाएँ बाई करने के लिए और F5 का बटन दबाएँ सेल करने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि ऊपर मेन मेन्यू में ऑर्डर पे क्लिक करके आप यहां से सेलेक्ट कर लें बाय या सेल को। तीसरा तरीका यह है कि यहां पे बाय और सेल के बटन्स दिए हुए हैं, आप उन पे क्लिक करके बाय या सेल कर सकते हैं। और चौथा और मोस्ट कन्वीनियंट तरीका यह है कि आपको जो भी स्क्रिप्ट खरीदना है, जो भी कंपनी खरीदनी है, आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और बाय या सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि बाय किस तरह से करना है और डिफरेंट बाय के ऑर्डर टाइप्स क्या हैं। हम राइट क्लिक करते हैं मुगल स्टील पे और बाय पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक ऐसी विंडो खुल जाती है। तीन ऑर्डर टाइप्स हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखे थे, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस SLO होता है और मार्केट MKT होता है। आप यहाँ पे ऑर्डर टाइप लगाने के बाद अपनी वॉल्यूम एंटर करेंगे, आपको जितने भी स्टॉक्स खरीदने हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे आए हैं। अगर हम F4 दबा के आएंगे तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट
डालना पड़ेगा। प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगी, इस वक्त मार्केट क्लोज्ड है इसलिए यहाँ पे प्राइस नहीं आ रही। अकाउंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा होगा, आपकी एक 4-डिजिट पिन होगी जो आपके ब्रोकर आपको देंगे, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आप सेंड ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर पे आपके पास यहाँ प्राइस शो नहीं होती, वो जो भी करंट प्राइस चल रही होती है उस पे ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है अगर वो अवेलेबल है तो। इसी तरह हम सेल को देख लेते हैं। सेल का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे, वॉल्यूम एंटर करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे, मार्केट है तो यहाँ कोई प्राइस नहीं आएगी, अगर स्टॉप लॉस है या लिमिट है तो आप यहाँ प्राइस एंटर करेंगे, यहाँ आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप अपनी पिन कोड डालेंगे और सेंड ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसा हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि रिपोर्ट्स कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके जो अनाउंसमेंट हैं मीटिंग्स के हवाले से वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई बोर्ड मीटिंग है अगर अपकमिंग तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कोई न्यूज़ है कंपनी की तो वो यहाँ पे शो होती है। इस विंडो में, एक्टिविटी के विंडो में, आप जो भी ट्रेडकास्ट को ऑपरेट कर रहे हैं उसका लॉग रिकॉर्ड होता रहेगा और वो यहाँ पे आपको शो करता रहेगा। आप कुछ ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कोई आप रिपोर्ट खोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपकी क्या एक्टिविटी रही है। इसके अलावा हमने देखा वॉचेस को, अब हम देखते हैं ट्रेड लॉग को। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने ब्रोकर को, वो जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो ट्रेड लॉग में शो होता है। इसी तरह आप जो भी ऑर्डर अपने ट्रेडर को देते हैं वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता यानी पेंडिंग में होता है, वो आउटस्टैंडिंग लॉग में आता है। आउटस्टैंडिंग लॉग के अंदर आप सिंपली अपना ऑर्डर अगर कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट करें, कैंसिल ऑर्डर को क्लिक करें और यहाँ अपनी यहाँ से सेलेक्ट करें, पिन कोड एंटर करें और कैंसिल ऑर्डर को क्लिक कर दें। एक्टिविटी लॉग के अंदर आपकी सारी ऑर्डर रिलेटेड एक्टिविटी शो हो रही होगी। आपने कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे ख़रीदी है, बेची है, या वो पेंडिंग में है, या वो रिजेक्ट हो गई है, वो सब यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा। टूल्स, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रेडकास्ट का, यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट कंपनी को सेलेक्ट करके यहाँ टूल के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अब लेट्स से कि मैं लकी का ग्राफ देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्राफ्स एंड चार्ट को क्लिक करूँगा तो मेरे पास लकी का ग्राफ खुल जाएगा। बाकी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इंडेक्स स्नैपशॉट, सेक्टर स्नैपशॉट, रियल टाइम चार्टिंग, ट्रेडिंग सिग्नल्स, PSX हीट मैप, एनालिस्ट ओपिनियन, ये सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का एक और बहुत अहम पहलू ये है कि इसमें आप वॉल्यूम वाइज और प्राइस वाइज जो मार्केट ऑर्डर्स हैं उनको आप देख सकते हैं टॉप 10 की शक्ल में। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर यानी वॉल्यूम वाइज यहाँ शो कर रहा है। यहाँ से हमने सेलेक्ट की मार्केट टाइप, अगर आप लॉट्स में लेना चाहते हैं, लॉट होता है एक बंडल, यानी कि 25 शेयर का लॉट है, 100 शेयर का लॉट है, 500 शेयर का लॉट है, यूजुअली शेयर्स लॉट्स में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप लॉट्स में लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर मार्केट से ले सकते हैं, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऑड लॉट में क्या वॉल्यूम्स रही हैं तो आप यहाँ से ODL ऑड लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ऑड लॉट बता देगा। इसमें आप जो भी स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं, जो भी कंपनी देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम OGDC देखना चाहें तो ये हमें OGDC दिखा रहा है, इसमें कितनी वॉल्यूम है, कितने पे लोगों ने बाय की बिड लगाई हुई है और कितने पे लोगों ने सेल की बिड लगाई हुई है, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे बिड प्राइस है, यहाँ पे बाय बिड है और यहाँ पे सेल ऑफर है, और फ्लैग का मतलब है कितने लोगों ने बिड लगाई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे दो किस्म की वॉल्यूम्स आ रही हैं, ये वाली वॉल्यूम
बायर्स की है और ये वाली वॉल्यूम सेलर्स की है। इसी तरह यहाँ पे बायर्स की वॉल्यूम है और यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मार्केट जब ओपन होती है तो आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है किसी भी कंपनी में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स या प्राइस लीडर्स जो है वो क्या हैं, कौन है और क्या चल रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि जब आप ऑड लॉट मार्केट में कुछ ख़रीदते हैं तो वो रेगुलर मार्केट के बनिस्बत आपको महंगा पड़ता है थोड़ा सा, और जब आप उसको बेचते हैं तो भी वो रेगुलर मार्केट की बनिस्बत थोड़ा सस्ता बिकता है। उसकी वजह ये है कि वो जो उसकी डिफ़ॉल्ट लॉट है उससे हटके होता है, तो वो उसकी प्राइस में डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो महंगे शेयर होते हैं उनकी जो लॉट होती है वो छोटी होती है। जैसे अगर हम नेस्ले की बात करें तो ये 5000 समथिंग का शेयर है, तो इसकी जो लॉट है वो 20 शेयर्स की है, और जो सस्ता शेयर होता है उसकी लॉट ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम WTL की बात करें तो ये जो इसकी लॉट है ये 500 की लॉट है। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे लॉट्स को समझने के लिए। इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का डाउनलोड का लिंक आपको रिसोर्सेज में मिल जाएगा, आप ये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा।